नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम दो कंट्रीज के बारे में जानेंगे, ऑनडुरस और एल सल्वाडोर। दोनों सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं और दोनों के बीच में एक वॉर भी लड़ी गई है। बहुत ही लंबी हिस्ट्री है दोनों कंट्रीज़ की और साथ में फुटबॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में। तो इस वीडियो में हम दोनों की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और जियो पॉलिटिक्स के बारे में भी जानेंगे। घर बैठे आप वेरियस कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम। हमारा एसएससी एग्ज़ाम का पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्स आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दोनों एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। उसके अलावा बैंक एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्स है। उसके अलावा यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी अवेलेबल है, एक टेस्ट सीरीज़ भी है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। उसके अलावा क्लैट डीएसएस भी, वेरियस कोर्सेज आपको studyiq.com पे मिल जाएंगे और आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं टू ऑर्डर। तो ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम वेस्टर्न साइड की तरफ जा सकते हैं और वी कैन गो टू द ईस्टर्न साइड, इट डजेंट रियली मैटर। हम ईस्टर्न साइड की जगह वेस्टर्न साइड की तरफ जाएंगे। तो इंडिया से वेस्ट को आप जाओगे तो ये आ गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये बहुत बड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न साइड पर क्या आता है? यूरोप आता है। और यूरोप और यूएसए के बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये रहा अटलांटिक ओशन। किसके बीच में? यूएसए और यूरोप के बीच में। यूएसए और जापान के बीच में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक ओशन क्रॉस करने के बाद ये दो बड़े कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, और फिर ये साउथ अमेरिका। अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा सेंट्रल अमेरिका में। यहाँ पर आप देखोगे ये दो कंट्रीज़ हैं, इन पर ही हम डिस्कस करेंगे, होंडुरस और एल सल्वाडोर। होंडुरस की कैपिटल आप अपने सामने देख सकते हो, तेगुसीगाल्पा। और एल सल्वाडोर की कैपिटल काफ़ी आसान है याद रखना, सैन सल्वाडोर। ठीक है, एक बार को आप शायद होंडुरस की भूल सकते हो, मगर सैन सल्वाडोर नाम में इसके सल्वाडोर सल्वाडोर दोनों में है। ठीक है, वैसे काफ़ी एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे, बनानास की काफ़ी खेती होती है और ओवरऑल ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है, मगर तब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे काफ़ी हाई होता है और ओवरऑल इस एरिया को डेवलप्ड आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। करेंसीज के बारे में याद रखिएगा, होंडुरस की करेंसी है लेम्पिरा, LEMPIRA, लेम्पिरा करेंसी। और एल सल्वाडोर यूज़ करता है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। हालांकि एक ज़माने में यहाँ पे सल्वाडोरन कोलोन यूज़ करते थे, COLON, सल्वाडोरन कोलोन, मगर बाद में इन्होंने USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की तरफ शिफ्ट कर लिया। इनके नेबर्स देखते हैं दोनों कंट्रीज़ के, एल सल्वाडोर ऑफ कोर्स होंडुरस के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और साथ में ये आता है यहाँ पे गौतेमाला। ऑलराइट, और ये जो सदर्न साइड है यहाँ पे आता है निकारगुआ, जिसकी कैपिटल है मनागुआ। ऑलराइट, और फिर नीचे कोस्टा रिका आता है, फिर फाइनली फेमस पनामा, पनामा सिटी यहाँ पे आ जाता है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनको डिस्कस करते हैं। पहले एल सल्वाडोर, ये एक माउंटेनियस कंट्री है और ऑफकोर्स इसकी एक कोस्टल बेल्ट है। इसको कहा जाता है लैंड ऑफ वॉल्केनोज, क्योंकि जैसे आपने देखा था जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उस पर ये कंट्री आता है। अभी आपको अलग से मैप में फिर से दिखाऊंगा। तो काफ़ी वॉल्केनोज मिलेंगे आपको, और जहाँ पे वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ कॉमन होती है, वो है अर्थक्वेक। सिमिलर कहानी आपको आइसलैंड में भी मिलेगी। आइसलैंड की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी ज़रूर दिखेगा। वहाँ पर भी अर्थक्वेक बहुत सारे आते हैं और वॉल्केनोज बहुत सारे हैं, और उसकी वजह से जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी भी वहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती है। और एल सल्वाडोर में भी काफ़ी जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा पॉपुलेशन काफ़ी कम है यहाँ की, करीब 65 लाख के आसपास लोग रहते हैं बस, और जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन वो रोमन कैथोलिक्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और साथ में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की वो है स्पेनिश। अब एल सल्वाडोर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। देखो, आप लोगों को पता होगा कि 1950s में चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे चाइनीज़ आर्मी ने पूरे तिब्बत को कब्जा लिया था। उस दौरान दुनिया के किसी और मेजर कंट्री ने, रशिया ने, इंडिया ने, यूएस ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बस चाइनीज़ इन्वेजन देखते रहे। अब इस दौरान क्या था, जब 14वें दलाई लामा, जो इस वक्त की दलाई लामा है तिब्बत की एग्जाइल्ड सरकार के, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक टेलीग्राम भेजा और उसमें उन्होंने अपील की कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली कुछ करे और चाइना को रोके, यहाँ पे एक कंट्री का इन्वेजन हो रहा है, उसकी सरकार को वहाँ से भगाया जा रहा है। तो उन्होंने हेल्प की, यहाँ पे गुहार लगाई। कोई भी कंट्री तिब्बत के सपोर्ट में यहाँ पे नहीं आया एक्सेप्ट एल सल्वाडोर। ये छोटा सा देश है सेंट्रल अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका का एक्चुअली सबसे छोटा देश है ये, और बस यही खड़ा हुआ था तिब्बत की सपोर्ट में। उसने कहा था कि हमको तिब्बत की मदद करनी चाहिए, मगर आज भी मैं सोचता हूँ कि शायद उस टाइम इंडिया अगर एल सल्वाडोर के साथ खड़ा होता तो आज जो नक्शा है तिब्बत का कुछ और होता और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास इतनी सारी पावर ना आती।
ऑन्डुरस, ये देश एल सेल्वाडोर से साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, मगर इसकी आबादी कंपैरेटिवली उतनी बड़ी नहीं है। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगा कि 1970s या उसके पहले भी ऑन्डुरस की आबादी एल सेल्वाडोर की आबादी से कम थी। और इसके इसी से रिलेटेड एक आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों कंट्रीज़ की हिस्ट्री का, फुटबॉल वॉर्स, उसको हम कवर करेंगे। बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे मिलिट्री रूल रहा है, मतलब कि डेमोक्रेसी यहाँ पे कभी पावर में आ नहीं पाई, हर बार कोई एक मिलिट्री जनरल ही टेक ओवर कर लेता था। और उसके अलावा करप्शन और पावर्टी की काफ़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, क्राइम रेट काफ़ी हाई है और सेंट्रल अमेरिका का लीस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है और सबसे अनस्टेबल कंट्री माना जाता है ऑन्डुरस। और फिर 1980s तक इसको मिलिट्री ने डोमिनेट किया और मिलिट्री US को काफ़ी अलग सपोर्ट करती थी और US ऑन्डुरस की मिलिट्री को काफ़ी सपोर्ट करता था, क्योंकि ऑन्डुरस की मिलिट्री US की काफ़ी जो फ्रूट कंपनीज थी उनको यहाँ पे काम करने की इजाज़त दे रही थी। बेसिकली क्या है कि USA की बहुत सारी मेजर फ्रूट कंपनीज़ हैं, ये फ्रूट कंपनीज़ क्या करती है कि जिन छोटे देशों में फ्रूट्स ग्रो होते हैं वहाँ पे फ्रूट्स ख़रीद लेती हैं उनसे और वापस USA में बहुत ही महंगे दामों में अपनी रिच जो उनकी पब्लिक है उनको बेचते हैं। तो यहाँ पे US की कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा कमाया ऑन्डुरस के साथ काफ़ी लंबे समय तक। देखो ये है रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मगर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका उसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता। देखो यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है, ये आप जो देख रहे हो ये है प्रशांत महासागर और ये है अटलांटिक ओशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इसके आसपास काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल कोलाइड कर रही हैं और उसी की वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है उसी की वजह से ये सारा जो एरिया है अर्थक्वेक प्रोन है, यहाँ पर वॉल्केनोज काफ़ी है और ओवरऑल बहुत ही वोलाटाइल एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे जापान में ही बहुत वॉल्केनो मिलेंगे, बहुत अर्थक्वेक आते हैं। फिर यहाँ पे ऑल्यूटियन ट्रेंच है, यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा चाहे US में आपको इतने अर्थक्वेक्स या इतने ज़्यादा यहाँ पे वॉल्केनोज नहीं मिलेंगे इस एरिया में, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इनको काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स। और यहाँ पर आप देखोगे ये भी रिंग ऑफ फायर में आता है। फिर यहाँ पर बिल्कुल जो सदर्न अमेरिका में कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये भी रिंग ऑफ फायर में आती है और ऑफकोर्स न्यूजीलैंड भी आता है, इसलिए न्यूजीलैंड में भी आप बहुत सारे अर्थक्वेक्स के बारे में आपने सुना होगा, न्यूजीलैंड में काफ़ी अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज हैं। ऑलराइट, अब देखो ऑन्डुरस एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है बनाना रिपब्लिक। ओ हेनरी, आपको पता है एक अमेरिकन ऑथर थे, ये बहुत ही फेमस, इन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी बनाना रिपब्लिक। इसका मतलब होता है एक अनस्टेबल कंट्री जिसकी इकोनॉमी कम्प्लीटली एक्सपोर्टेशन पे डिपेंडेंट हो एक लिमिटेड रिसोर्स प्रोडक्ट के, जैसे फॉर एग्जांपल केले को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हैं, मिनरल्स को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत कम है और कंट्री उसके अलावा कुछ और खास जनरेट नहीं कर रहा दुनिया को बेचने के लिए और ओवरऑल काफ़ी ख़राब हालत से गुजर रहा है, तो उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। तो बनाना रिपब्लिक सबसे पहले इन्होंने ऑन्डुरस को जब देखा था तो इनके मुंह से ये टर्मिनोलॉजी निकली थी, क्योंकि ऑन्डुरस में एक तो पहली बात खेलेगी, क्योंकि ऑन्डुरस में पहली बात तो केले की खेती बहुत ज़्यादा होती है और उसके अलावा अमेरिकन फ्रूट कॉरपोरेशन जैसे कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉयट भी किया है इस कंट्री की वीक इकॉनमी को। 1969 की फुटबॉल वॉर, फुटबॉल आपको पता है एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है, अराउंड द वर्ल्ड खेला जाता है, फैंस काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं फुटबॉल को लेकर। यहाँ पे इंडिया में मैं देखता हूँ, मैं एक फुटबॉल फ़ैन नहीं हूँ, मगर मेरे काफ़ी सारे दोस्त यूरोप के काफ़ी सारे क्लब्स को फॉलो करते हैं और जब उनका फेवरेट क्लब हार जाता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। अब सॉकर की वजह से आपने देखा होगा कि फैंस नाराज़ हो जाते हैं, रोते हैं, काफ़ी बार स्टेडियम के बाहर दंगे भी हो जाते हैं जब सॉकर वर्ल्ड कप आसपास होता है, मगर कभी आप ये इमेजिन कर सकते हो कि फुटबॉल की वजह से, इस स्पोर्ट की वजह से दो देशों में लड़ाई हो जाए, दो देशों में वॉर हो जाए, दो देशों की सरकारें वॉर डिक्लेयर कर दे। अब हालांकि फुटबॉल ने डायरेक्ट रोल तो नहीं निभाया एल सेल्वाडोर और ऑन्डुरस की वॉर का, मगर ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था दोनों देशों की वॉर शुरू होने का। अब हमारी कहानी शुरू होती है 20th century की स्टार्टिंग में। उस ज़माने में क्या था कि एल सेल्वाडोर, जो आपको पता है ऑन्डुरस से साइज़ में छोटा है, उसकी आबादी ऑन्डुरस से बड़ी थी, मतलब कि एल सेल्वाडोर की जो कंट्री का साइज़ था वो छोटा था मगर आबादी में वो ऑन्डुरस से बड़ा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एल सेल्वाडोर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग इतने सारे थे और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, तो मजबूरी में कई हज़ारों लोग क्या करते रहे, एल सेल्वाडोर से ऑन्डुरस जाते थे काम की खोज में। तो ऑन्डुरस में आपको पता है कि केले की खेती होती थी और वहाँ पे वो एज़ वर्कर्स काम करते थे और ऑन्डुरस को उनकी ज़रूरत भी थी इनिशियली,
उन्होंने भी उनको वेलकम किया, वो वहाँ पे चीप लेबर की तरह काम करते थे, उनको भी दो पैसे मिल जाते थे और ऑन्डुरस की जो फ्रूट इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही थी और उसके अलावा अमेरिकन फ्रूट कंपनीज जो थी जो जिनका इंटरेस्ट बनानास में था वहाँ पे, वो भी ठीक ठाक पैसे कमा रही थी क्योंकि सडनली सिंस चीप लेबर आ रही थी तो जो बनानास की यहाँ पर प्रोडक्शन में पैसे लग रहे थे वो भी कम लग रहे थे, तो वो सस्ते रेट में बनाना खरीद पा रहे थे और वो महंगे रेट में यूएसए को बेच रहे थे। एवरी वन वॉज बेनिफिटिंग। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इमिग्रेंट जब बढ़ते रहे तो 1960s में बहुत सारे एल सल्वाडोर के इमिग्रेंट्स ऑन्डुरस पहुंच चुके थे और फिर एक टाइम आता है जब इमिग्रेंट्स किसी भी देश में बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उस देश के लोग समझते हैं कि उस देश में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट या जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो इमिग्रेंट्स की वजह से हो रही है और वहाँ पर जो ऑन्डुरस में जो मिलिट्री लीडर थे उन्होंने भी यही सोचा कि हम जिम्मेदारी खुद पर लेने से अच्छा है कि इन इनोसेंट इमिग्रेंट्स पर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये क्राइम लेके आ रहे हैं अपने साथ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, आपने डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन की शुरुआत का स्पीच सुना होगा, वो बेसिकली यूएस की सारी प्रॉब्लम्स को मैक्सिकन्स की तरफ लेके गए। उन्होंने कहा कि मैक्सिकन्स हमारे देश में आते हैं, वो क्राइम लेके आते हैं, वो ड्रग्स लेके आते हैं। सिमिलर केस यहाँ पे ऑन्डुरस की सरकार ने भी किया और ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है। तो ऑन्डुरस के लीडर्स ने सारा जो इल्ज़ाम था अपने देश की पुअर कंडीशन का, पुअर इकोनॉमी का, वो लगा दिया एल सल्वाडोर के इमिग्रेंट्स पर और उसके बाद ऑन्डुरस में जो एल सल्वाडोर के इमिग्रेंट्स थे उन पर अत्याचार शुरू हो गया और सिस्टमेटिकली वहाँ पे उनको टॉर्चर भी किया जाता था और बहुत ही हॉरिबल केसेस थे। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक आदमी एक देश से दूसरे देश जा रहा है दो रोटी कमाने के लिए और वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी काफ़ी इस पर रिपोर्ट पब्लिश करी है किस तरीके से वहाँ पर ऑन्डुरस में एल सल्वाडोर से जो गरीब इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पर उनकी औरतों उनके बच्चों को भी टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो डर के मारे वापस अपने देश में चले जाए और मास स्केल पर डिपोर्टेशन भी होती थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एल सल्वाडोर में एक नेशनल प्राइड का एक इशू खड़ा हो गया क्योंकि एल सल्वाडोर में भी एक मिडिल क्लास थी, वो अखबार पढ़ते थे, वो वहाँ पे पढ़ते थे कि हमारे लोगों को ऑन्डुरस में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और वो बस वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं और कई सालों से वहाँ पे काम कर भी रहे थे। अब सडनली वहाँ पे पॉलिटिशियंस गेम खेल रहे हैं और वहाँ पे जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो टेंशन थी बहुत ज़्यादा हाई हो गई और जब भी कोई सॉकर मैच होता था, आप देखो एल सल्वाडोर और ऑन्डुरस दोनों सॉकर के लिए बहुत पैशनेट हैं, तो जब भी कोई सॉकर गेम होता था दोनों के बीच में तो टेंशन ऑलमोस्ट ऐसी होती थी जैसे 1990s में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में होती थी। ठीक है, आज के टाइम में तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में कोई इतनी खास टेंशन नहीं होती, मगर एक ज़माने में आपको पता है कि सिंस इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी सारी वॉर्स हुई थी तो हमारे जो क्रिकेट मैचेस होते थे उसमें यू नो अ सेंस ऑफ टेंशन होती थी क्योंकि दोनों देश चाहते नहीं थे हारना और सिमिलर केस यहाँ पर भी था। तो जब भी ऑन्डुरस और एल सल्वाडोर का एक फुटबॉल मैच होता था तो हाई सिक्योरिटी होती थी और काफ़ी बार स्टेडियम के बाहर दंगे भी हो जाते थे, एल सल्वाडोर और ऑन्डुरस के फैंस आपस में भिड़ जाते थे और कई लोग मारे भी जाते थे। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि 1969 के आसपास तक वर्ल्ड कप पास आ रहा था और आपको पता है वर्ल्ड कप में जो पार्टिसिपेट करती है कंट्रीज उनको क्वालिफिकेशन राउंड से गुजरना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑन्डुरस और एल सल्वाडोर दोनों वर्ल्ड कप में खेलना चाहते थे और दोनों के लिए फीफा ने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच तैयार किए और इन मैचेस से डिसाइड होना था कि वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा, एल सल्वाडोर या ऑन्डुरस। तो दोनों देश ऑफकोर्स चाहते थे कि वहाँ पर खेलना और टेंशंस हाई होनी ही थी। अब देखते हैं कि जब गेम स्टार्ट हुए तो क्या हुआ। अब देखो, तीन फुटबॉल वर्ल्ड कप मैचेस ऑर्गेनाइज किए गए थे, पहला था ऑन्डुरस में, दूसरा एल सल्वाडोर में और तीसरा न्यूट्रल ग्राउंड मैक्सिको में। तो जो पहला मैच था वो ऑन्डुरस में हुआ और जब ऑन्डुरस में मैच हुआ तो वहाँ पर जो लोकल्स थे वहाँ के ऑन्डुरस के लोग उन्होंने कुछ एक ख़राब टैक्टिक्स भी अपनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने एल सल्वाडोर के जो फुटबॉल प्लेयर्स थे उनको थकाने के लिए रात भर उनके होटल के बाहर हंगामा किया। तो एल सल्वाडोर के प्लेयर्स जिस होटल में रुके हुए थे रात भर ऑन्डुरस के फैंस वहाँ पर उन्होंने बोतलें फेंकी, पत्थर फेंके और ये कोशिश करी कि एल सल्वाडोर के जो प्लेयर्स थे उनको नींद ना मिले। और फिर सुबह हुई और एल सल्वाडोर के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थके हुए थे और उस थकान की वजह से एल सल्वाडोर पहला गेम 1-0 से हार गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इस गेम के बाद काफ़ी एक और इमोशनल इंसिडेंट ये हुआ कि एक एमिलिया नाम की एक लड़की थी बहुत छोटी सी, ये एल सल्वाडोर की एक फ़ैन थी, एल सल्वाडोर की देश की थी ऑफकोर्स और अपनी फुटबॉल टीम की फ़ैन थी, तो इसने खुद को मार लिया, इसने सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट में लिख लिया कि मैं इसलिए सुसाइड कर रही हूँ कि ये गेम में क्या हो रहा है और हमारी टीम के साथ यू नो नाइंसाफ़ी हो रही है।
तो इसकी वजह से एल सल्वाडोर के लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो इमिग्रेंट का इशू था, फिर ये जो अमीलिया वाला केस था, मीडिया ने भी इसको बहुत उछाला। अब देखो, पहला मैच एल सल्वाडोर हार चुका था और दूसरा मैच जो था वो एल सल्वाडोर को जीतना ही जीतना था। अगर वो गेम हार जाता तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच वो हार जाता। तो दूसरा मैच जो एल सल्वाडोर में होना था, वहाँ पे ऑन्डुरस की टीम आई और एल सल्वाडोर के लोगों ने यही सोचा था कि जो ऑन्डुरस ने उनके साथ ऑन्डुरस में किया है, जो ऑन्डुरस के फैंस ने उनके साथ ऑन्डुरस में किया है, वैसा ही ट्रीटमेंट उनको वो अपने देश एल सल्वाडोर में देंगे। तो उनके साथ भी यही हुआ, उनको धमकियाँ दी, उनके होटल के सामने बहुत तोड़ाफोड़ी की और ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ख़राब ट्रीटमेंट मिला उनको। और ऑन्डुरस की टीम को इतने ज़्यादा डेथ थ्रेट मिले और फील्ड में भी उनको इतना ज़्यादा डराया गया, फैंस वहाँ पर उल्टे सीधे वेपन्स लेके आ गए थे, बैट वगैरह इधर उधर हिला रहे थे वहाँ पर और लग रहा था कि कभी भी दंगे हो सकते हैं। तो इतने डर की वजह से ऑन्डुरस की टीम वहाँ पर हार गई और इनके कोच थे उस वक्त मारियो ग्रिफिन, इन्होंने कहा था कि अच्छा ही हुआ हम हार गए, अगर वो जीत जाते तो क्राउड उनको वैसे ही फील्ड पर मार डालता। अब देखो, एक मैच ऑन्डुरस की टीम जीत चुकी थी, एक मैच एल सल्वाडोर की टीम जीत चुकी थी। जो तीसरा मैच था वो मेक्सिको में शेड्यूल था होना और ये गेम एल सल्वाडोर ने जीत लिया। मगर जब ये गेम्स हो रहे थे, जब ये मेक्सिको गेम हो रहा था, उसी दौरान एल सल्वाडोर की सरकार ने डिसीजन लिया कि वो ऑन्डुरस की सरकार के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ देगी, क्योंकि रीज़न यहाँ पे फुटबॉल नहीं था, रीज़न ये था कि जो एल सल्वाडोर के इमिग्रेंट्स थे ऑन्डुरस में, उन पर एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही थी और ये कैसे जा रहे थे कि कई वहाँ पे इमिग्रेंट्स को मार दिया गया है और बहुत ही ब्रूटल स्टोरी जा रही थी। तो उसकी वजह से सरकार ने सारे जो रिलेशन थे ऑन्डुरस की सरकार के साथ कट कर दिए और उसके बाद दोनों की जो बॉर्डर थी, एल सल्वाडोर और ऑन्डुरस की जो बॉर्डर थी, वहाँ पर कुछ ट्रूप्स ने भी एक दूसरे पर फायरिंग करी और कुछ ही आर्ट्स में, आई थिंक विद इन अ फ्यू आर्ट्स, एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गई और एल सल्वाडोर की एयरफोर्स ने ऑन्डुरस पर एक सरप्राइज अटैक किया और काफ़ी हद तक ऑन्डुरस को पीछे धकेल दिया था। एल सल्वाडोर जो एक छोटा देश था, वो फुटबॉल में तो जीत ही रहा था, अब जो रियल लाइफ जो वॉर थी वहाँ पे, एक्चुअल वॉर, वहाँ पर भी वो जीत रहा था। उसने ऑन्डुरस की काफ़ी सारी जो टेरिटरी थी वो कैप्चर कर ली थी, मगर उसके बाद यहाँ पर OAS ने इंटरफेयर कर लिया, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। यहाँ पे पूरे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, सारे कंट्रीज़ मिल के आए और वो चाहते नहीं थे कि सेंट्रल अमेरिका में ऐसी वॉर हो इन दोनों देशों के बीच में। और इन्होंने फिर ऑन्डुरस और एल सल्वाडोर दोनों को रोका। एल सल्वाडोर को बहुत मनाना पड़ा उनको कि वो ऑन्डुरस की जो कैप्चर्ड ज़मीन है वो भी उसको वापस कर दे, मगर इन दी एंड एल सल्वाडोर ने वो ज़मीन भी वापस कर दी। मगर इनको अश्योरेंसेज मिले कि इनके जो इमिग्रेंट हैं ऑन्डुरस में, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा, उनको मारा नहीं जाएगा, उनके साथ जुल्म नहीं होगा। एल सल्वाडोर, इसके प्रेसिडेंट हैं इस वक्त सल्वाडोर सांचेस सेरेन और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं एल सल्वाडोर और इंडिया के बीच में वो एस्टेब्लिश हुए थे 1979 में। कुछ खास कोई यूनिक चीज़ नहीं है जो मेंशन करने लायक हो। ओवरऑल जो ट्रेड है एल सल्वाडोर और इंडिया के बीच में वो है $74.72 मिलियन। इसमें ज़्यादातर जो ट्रेड है वो मेडिसिन के एक्सपोर्ट पर है। इंडिया बहुत सारे जो हमारी मेडिसिन हैं वो एक्सपोर्ट करता है एल सल्वाडोर को। और ओवरऑल एल सल्वाडोर की जो इकोनॉमी है वो भी अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है पहले से। अब ये सर्विस सेक्टर पे ज़रा फोकस करते हैं और यहाँ के लोगों को अब ऑन्डुरस में जाना नहीं पड़ता काम के लिए। ऑन्डुरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जुआन ऑरलैंडो, इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है अपनी सरकार को बचाने में। और ओवरऑल ऑन्डुरस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही लंबे समय से बरकरार थी और आज भी काफ़ी हद तक जिंदा है। ये काफ़ी अब ये डेवलपमेंट के मामले में मैं तो कहूँगा एल सल्वाडोर के भी पीछे चला गया है और इसका फ्यूचर अभी इतना ब्राइट लग नहीं रहा। हो सकता है कि यहाँ पे एक सिविल वॉर भी देखने को मिले इन द नियर फ्यूचर। इंडिया और ऑन्डुरस का ट्रेड टोटल काफ़ी बड़ा है, $170 मिलियन के आसपास का है और ये डिक्लाइन कर रहा है। एक्चुअली पहले ये ज़रा था, अब ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है। और उसमें भी यही है कि इंडिया ज़्यादातर अपनी जो मेडिसिन है वो एक्सपोर्ट करता है इन देशों को। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और इसको फेसबुक व्हाट्सएप भी में भी शेयर कर सकते हैं आप। और उसके अलावा ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अभी बहुत सारी कंट्रीज़ आगे और कवर करेंगे इसमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग हार्ड एंड यू विल सक्सीड।